Hello everyone and very good morning. Friends, welcome to the Aviation Career, my official YouTube channel. And friends, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं RSMSSB Recruitment 2022 के अपडेट के बारे में. यहाँ पे RSMSSB stand for Rajasthan Sub Coordinate and Ministerial Service Selection Board Recruitment 2022. इस वैकेंसीज को राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है. एंड ये वैकेंसीज स्पेशली जूनियर इंजीनियर के लिए है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वैकेंसीज को रिलीज किया गया है. सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसीज के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, ऑल डिटेल्स को इस वीडियो में आप लोगों से ब्रीफ में शेयर करने वाला हूँ. इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रखे गए हैं, इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे आपको डाउनलोड करना है, इसको ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, ऑल डिटेल्स को इस वीडियो में आप लोगों से ब्रीफ में शेयर करने वाला हूँ. सो वीडियो बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, खास करके डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जिसको अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हो जूनियर इंजीनियर पोजिशंस के लिए. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि मैं जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होते रहे. इस चैनल पे मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज एंड गवर्नमेंट के रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं उसका वीडियोज एंड इन्फॉर्मेशन लेके आते रहता हूँ एंड आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ. फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ. इस वैकेंसीज को अगर आप राजस्थान के अलावा किसी और भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, अगर आप डिप्लोमा डिग्री अगर आपके पास में है तो. बट किसी और स्टेट वाले को, अदर स्टेट वाले को यहाँ पे कोई भी छूट या कोई प्रिफ्रेंस नहीं दिए जाएंगे. यहाँ पे सिर्फ जो राजस्थान के लोकल स्टेट के हैं सिर्फ उनको ही कोई प्रिफ्रेंस या कोई भी छूट दी जाएगी. सो नाउ स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, इस वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया हिंदी में किया गया है एंड ये बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है. सो मैं किसी और वेबसाइट के थ्रू आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ. इसके अलावा भी आपको कोई और भी डाउट रह गया हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हो. इसको कैसे डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. साथ में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप इसको ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप कंप्लीट करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं इस वैकेंसीज का जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस रिलीज किए गए हैं उसके बारे में. फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. यहाँ पे अप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है वो आज से हो रही है, 21 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है एंड इसका लास्ट डेट रखा गया 19 फरवरी 2022 तक. टेंटेटिव एग्जाम का डेट ये मई में जाएगी, मई में डेट फिक्स नहीं हुआ है बट टेंटेटिव बता दिया गया है कि एग्ज़ाम मई में जा सकता है. यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स की बात करें, एग्ज़ाम फी की बात करें तो जनरल कैंडिडेट्स EWS OBC के लिए यहाँ पे 450 रुपीज़ फी रखा गया है. OBC, NCL, EVC एंड RJ के लिए 350 रुपीज़ रखा गया है. SC, ST एंड RJ, PWD के लिए 250 रुपीज़ रखा गया है. एंड इसको कैसे पे करना है आपको, पे फी वाया ऑनलाइन या ई मित्रा किसको SSC इसके थ्रू करना है आपको. टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 1092 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है. इसके लिए जो एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है 1/1/2023 तक आपका यहाँ पे मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 40 इयर्स रिक्वायर्ड किया जा रहा है. आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें, फिर इसके बारे में आपको मालूम चलेगा डिटेल में. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया जा रहा है वैकेंसीज को अप्लाई करने के लिए वो डिप्लोमा रिक्वायर्ड किया जा रहा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल. अगर आप इस तीनों ब्रांच में से किसी भी ब्रांच में आपकी डिप्लोमा कंप्लीट हो चुकी है तब इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो. नाउ आगे मूव करते हैं, पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल देखते हैं. यहाँ पे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए यहाँ पे 422 एंड 66 वैकेंसीज को रिलीज किया गया है. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर के लिए 37 वैकेंसीज है. एंड यहाँ पे सेकेंड में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर के लिए 26 वैकेंसीज आए हुए हैं. वहीं थर्ड में बात करें तो सेल्फ गवर्नमेंस यूनिट के लिए जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा होल्डर 36 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिग्री होल्डर 44 वैकेंसीज एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर 11 वैकेंसीज. टोटल इंक्लूड करके यहाँ पे 1092 वैकेंसीज आए हुए हैं जिसको आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में तो. नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसको अप्लाई करने के प्रोसीजर्स के बारे में एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में.
इसको आप आज से अप्लाई कर सकते हो 21 जनवरी से आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो, इसकी जो लिंक है आज से ही ओपन की जाएगी। नाउ फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। इसको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको यहाँ पे आना है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो सेम वेबसाइट पे आप आ जाओगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है राइट में। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट इंटरफेस पे आओगे, ये वाले इंटरफेस पे। यहाँ पे आने के बाद अगर आप इस वैकेंसी से पहले कोई और भी राजस्थान की वैकेंसीज को अप्लाई कर चुके हो तो आपके पास आईडी या पासवर्ड होगा, डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन करके आप इसको कैप्चर को फुलफिल करें एंड इसको लॉगिन कर लें। अगर आप इस वैकेंसीज को फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, आप इस वेबसाइट को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करोगे तो इसका सेकेंड इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला इंटरफेस। आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, ओनली फॉर रेसिडेंट्स ऑफ राजस्थान स्टेट एंड ऑल अदर्स। सो आप अगर राजस्थान के रहने वाले हो तो इस दोनों में से कोई एक चूज करके आपको अप्लाई करना है, किसी और स्टेट के हो तो आपको यहाँ पे गूगल पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से लॉगिन पे क्लिक करना है एंड लॉगिन पेज पे आना है। लॉगिन पे आने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्टली इसको अप्लाई कर देना है। यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपसे पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस अपडेट के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड एलिजिबल कंडीशंस थे मैंने आपसे ब्रीफ में शेयर कर दिया है। इसके अलावा आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आप चाहे तो आप मुझे मेल भी लिख सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है theaviationcarrier@gmail.com। सो फ्रेंड्स इस अपडेट के रिगार्डिंग इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।